खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां रफ्तार मीडिया के खबर का असर देखने को मिला। दरअसल गुना के वार्ड नंबर 24 में बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया था, जिसके चलते वहां के लोगों को काफी नुकसान हुआ। जब रफ्तार मीडिया की टीम 24 नंबर वार्ड में पहुंची और इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया, साथ ही वहां की स्थिति से एडीएम आदित्य सिंह को अवगत करवाया। इस पर संज्ञान लेते हुए गुना एसडीएम वीरेंद्र बघेल और नगरपालिका की टीम के साथ वार्ड नंबर 24 में पहुंची और बरसात के पानी की निकासी के लिए मुआयना किया। इसके बाद नालियों की सफाई और अवैध दीवालों को तुड़वाकर लोगों को बढ़ते पानी से राहत दिलाई गई, साथ ही शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। नालियों से जो पानी जो मेन नाले में जा रहा है, वहाँ पे एक दीवार थी, दीवार को नीचे तोड़वा दिया गया तो निकल गया था पानी। आने वाले समय में सर, जैसे बजरी तालाब अगर कहीं ओवरफ्लो हो गया तो उसके बाद में प्रशासन क्या करेगा? अभी तो हर साल तो ये नाली की दीवार थी वो तोड़वाई तो पानी निकल गया है, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर पानी निकल गया था, ज़्यादा वो नहीं था। इसके अलावा इसको अमृत 2.2 में भी एरिया आ जाएगा, तो उसमें सीवर लाइन वगैरह डल जाएगी, और प्लस जो इंटरनल नाले की बात चल रही है,